हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शिवरांजलि में आपका वेलकम है। सो गाइज, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लंच रूटीन। और गाइज, ये थाली बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है और ओनली 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। सो गाइज़, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं येलो दाल तड़का बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने येलो दाल ले ली है, यानी कि अरहर की दाल। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 से 3 लोगों का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से 2 से 3 बार पहले धो लूँगी और उसके बाद इसे गलने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, जब तक मैं आगे की तैयारी कर लूँगी। तो दाल को गलने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और अब यहाँ पे मैं चॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पे दोनों सब्जियों के लिए मैं चॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि दोनों सब्जियों के लिए चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादा सी निकाल ली है। यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। और बस यहाँ पे मुझे टमाटर को जो है पहले चॉप कर लेना है, अच्छा बारीक बारीक। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चॉपिंग करके रख ली है। मैंने प्याज ले लिए थे, 2 बड़े प्याज हैं ये, बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, टमाटर काट लिए हैं, लहसुन को छील लिया है और अदरक और लहसुन को मैं इस तरह से कूट लूँगी। तो सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ मैं आलू बीन्स की सब्जी। तो बीन्स को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धो करके और इस तरह से मैंने चॉप करके रख लिया है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है, आप चाहे तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो सारी चॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस आलू रह गए हैं बीन्स के लिए। तो वो मैं तभी काटूँगी जब सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी से काट दूँगी तो आलू काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे दाल को गले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं दाल को बॉईल होने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दाल डाल दी है मैंने और पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोनों चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी डाली है हल्दी पाउडर। और बस 2 सीटी आने तक मैंने कुकर को रख दिया है गैस पर। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी बनाने की। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उस पर डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ, उसके बाद डालूँगी ज़ीरा। और गाइस, जो आलू बीन्स की सब्ज़ी है वो बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, एकदम चटपटी बनती है। तो बस वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच और बस इसे अच्छे से हमें पहले भून लेना है, जिससे जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे हल्दी जो है अच्छा सा कलर आए हल्दी का सब्ज़ी में, तो मैंने इसलिए हल्दी पहले ऐड की है। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है। तो मैंने प्याज दोनों सब्जियों के लिए काट के रखी थी, तो मैंने हाफ़ डाल दी है, हाफ़ मैंने रख दी है दाल के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल के लिए पानी रख रही हूँ गर्म होने के लिए। तो जो छोटी वाली गैस है उसके ऊपर मैंने भगोनी रख दी है, उसमें पानी रख दिया है और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया। जैसे कि आपको पता है मैं चावल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर दाल भी बन गई थी, सीटी आ गई थी 2, तो उसके बाद मैंने पानी साइड वाली गैस पर रख दिया है, जैसे जल्दी बन जाएंगे चावल। और यहाँ पे प्याज भी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। बस यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, मैंने 1 आलू लिया था और आलू कम है, बीन्स ज़्यादा हैं। तो बस आलू और बीन्स दोनों ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हल्दी मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, बस यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को और इसे पकने के लिए रख देंगे। जब तक आलू और बीन्स अच्छे से पक ना जाए तब तक हमें पकाना है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे हल्दी और सारे मसाले वगैरह अच्छे से ऐड हो जाएँ जो हमने पहले ऐड किए हैं। और लिड लगा के इसे इस तरह से रख देंगे। तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी ये सब्ज़ी। और यहाँ पर पानी भी देखिए अच्छे से बॉयल हो गया है और जो मैंने चावल धो करके डाल दिए हैं, गलने के लिए नहीं रखे थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस मैंने निकाले हैं चावल को और धो करके मैंने डाल दिया है भगोनी में।
तो 5 मिनट हो गए हैं। चलिए सब्जी को भी देख ही लेते हैं। सब्जी देखिए बनके तैयार हो गई है, बस यहाँ पे मुझे मसाले ऐड करने हैं। 80% अभी सब्जी बन गई है और अभी थोड़ी सी और पकाऊंगी टमाटर के साथ में। टमाटर हमेशा लास्ट में ही डालने चाहिए क्योंकि टमाटर की वजह से सब्जी बहुत लेट पकती है, तो टमाटर मैं हमेशा बाद में ऐड करती हूँ सूखी सब्जियों में। तो टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब मैं मसाले भी ऐड कर रही हूँ जिससे मसाले भी अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर डालूँगी यहाँ पर, तो 3 चम्मच छोटी वाली चम्मच है टीस्पून, तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, तो हरी मिर्च जैसे कि आपने देखा बहुत मैंने लास्ट में डाली है क्योंकि पहले डालने से वही प्रॉब्लम होती है, पूरे घर में धस फैल जाती है। तो बस अच्छे से मिक्स कर दिया है एक बार और ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद ही सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फाइनल सब्जी बन गई है और गाइस आप कलर देख सकते हैं सब्जी का, और मैं आलू को तोड़ कर एक बार चेक कर रही हूँ, तो बिल्कुल सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे भी मिक्स कर देंगे। मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा, और बस ये आलू बीन्स की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। गाइस एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो चावल भी बन गए हैं और सब्जी भी बन गई है और दाल भी बॉईल हो गई है, तो अब मैं दाल में यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है फिर से कढ़ाई में, और उसमें डाली है हींग, थोड़ा सा जीरा, और सारी चॉपिंग मैंने पहले से करके रखी है। तो प्याज डाल दूँगी यहाँ पर, हरी मिर्च डाल दी, और यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दूँगी। पहले प्याज को थोड़ा सा भुनने देते हैं उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करी पत्ता लिया है जो कि मेरी बालकनी में लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, कितनी सुंदर लग रही हैं ग्रीन पत्तियाँ। तो अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। अब मैं यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है, अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, जल्दी जल्दी बहुत है, सुबह का टाइम है, तो ऐड कर दिया है, कोई बात नहीं, वो भी भुन गया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, तो टमाटर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लाल लाल मैंने टमाटर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और फटाफट से हमारी दाल बनके तैयार हो जाए। तो देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। हल्दी मैंने पहले ही डाली थी बॉइल करते टाइम पर, लेकिन थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है फिर से, और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला को बहुत अच्छे से हमें भूनना है, उसके बाद यहाँ पे दाल ऐड कर देंगे। तो दाल भी देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है, तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड और कर दूंगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था बाद में, और दाल बन गई है, बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल रहा है और 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। आप घी में भी तड़का लगा सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने अभी ऑयल में लगाया है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया मैंने, और ये हमारी येलो दाल तड़का बनके तैयार है, बहुत अच्छी बनती है गाइस। सो गाइस ये देखिए हमारी येलो दाल तड़का बनके तैयार है और कितनी सुंदर लग रही है ना। तो चलिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर फ्राइड राइस की। तो राइस मैंने बना के रख दिए हैं, 80% कुक किया था मैंने राइस को क्योंकि अभी मुझे उन्हें फ्राइड करना है। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और यहाँ पे सारे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च ली है, 2-3 मैंने हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग लिए हैं, तेज पत्ती लिए हैं, 2 जीरा लिया है, और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। आप कोई भी मसाले स्किप कर सकते हैं और कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शनल हैं। अगर आप जीरा राइस बनाना चाहते हैं तो सिर्फ जीरा राइस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बटर के साथ में बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बटर डाल रही हूँ फ्राइड राइस में। तो यहाँ पे बटर लिया है मैंने और थोड़ा सा घी लिया है, तो आधा आधा क्वांटिटी में मैंने दोनों ले लिया है। यहाँ पे मैंने तेज पत्ते डाल दिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं और ज़ीरा डाल दिया है, और सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। इन्हें एक बार थोड़ा सा हमें भूनना है, जब तक जो काजू है ना थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें भून लेना है, और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए फ्रोज़न मटर, आप चाहें तो ग्रीन वाली मटर ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ली है, और ये फ्रोज़न मटर भी ऐड कर देंगे। सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए इन्हें भूनना है, अगर आप ग्रीन वाली मटर ले रहे हैं तो उन्हें सॉफ्ट होने तक आप भूनें,
बट यहाँ पे फ्रोज़न मटर है इसलिए सिर्फ मैंने एक मिनट के लिए ही भुना था। और बस यहाँ पे राइस ऐड कर देंगे। और गाइस यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ पनीर ऐड करना, तो भूल गई थी, याद ही नहीं रहा कि मुझे पनीर भी ऐड करना है। फिर फटाफट से मैंने निकाला फ्रिज में से, उसे कट किया और अभी रखा है साइड में। अब भूल तो गई हूँ तो अभी मैं लास्ट में उसे ऐड करूँगी, और कैसे ऐड करूँगी अभी आप भी देखिएगा। तो चलिए पहले तो इन्हें बना लेते हैं। तो थोड़े थोड़े राइस में ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ में सारे राइस मिक्स नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए राइस सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और काजू का आप कलर देख सकते हैं कितना सुंदर आया है ना। बस बहुत ज़्यादा मैं रोस्ट नहीं करना था, नहीं तो जल जाते हैं काजू जल्दी। अब देखिए पनीर जो रह गया है उसे मैं कैसे ऐड कर रही हूँ, भूल गई थी। अगर आप बाई चांस कभी भूल जाएँ तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, आपके पास फ्राई पैन है तो आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है थोड़ा सा, और पनीर को देखिए छोटे छोटे चंक्स में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और बस इसे थोड़ा सा हमें भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे डार्क करना है हमें। तो ऊपर से भी थोड़ा सा घी मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पनीर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट हाथों से मैंने इसे चलाया था, क्योंकि बहुत जल्दी चिपक रहा था, लोहे का तवा है ना इसलिए चिपकता है, और नॉन स्टिक में ये नहीं चिपकता बिल्कुल भी। तो बहुत सॉफ्ट था पनीर, बस बिल्कुल मैंने लाइट से गोल्डन ब्राउन किया है, और इसे ऐड कर देंगे राइस में। तो अगर बाई चांस आप भी कभी भूल जाएँ तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है, और बस ऐड कर देंगे राइस में, और ये हमारा मटर पनीर फ्राइड राइस बनके तैयार है। गाइस बहुत डिलीशियस बनता है, आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ काजू ही किए थे। तो बस सारा खाना बन गया है, और बीच बीच में मुझे टाइम मिला था तो मैंने आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि आटा लगा के रखने से थोड़ा सा सेट हो जाता है, रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली रोटियां बनके तैयार होती हैं। तो मैंने आटा भी लगा दिया था और सैलेड भी कट कर दिया था। तो अगर आपके पास भी इस तरह से टाइम मिलता है आपको खाना बनाने के लिए, तो आप बीच बीच में सारे काम भी निपटा लीजिए, आपका ही टाइम बचता है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे फूले फूले हमारे फुलके बन के तैयार हो रहे हैं, और बस फुलके बन जाएंगे उसके बाद मेरा सारा खाना बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने राइस लगा लिए हैं, ये है येलो दाल तड़का, और यहाँ पे मैंने रखी है आलू बीन्स की सब्ज़ी, आप कलर देख सकते हैं, और इतनी चटपटी इतनी टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही रखा है, और इसके ऊपर से थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला, और थोड़ा सा काला नमक। तो बस ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, ये हैं हमारे फुलके, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैलेड रख दूँगी। तो ये है हमारा आज का हेल्दी लंच रूटीन। सो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।